बड़ी दुविधा में पड़ गई कि अब उनका भेद खुल जाएगा। मैं समझ गई कि ये लीला आपने ही रची है। सारा सुहाग का रस उन पर छिड़क दिया। आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। तब देवी पार्वती ने अपनी उंगली को चीर कर वे समझ गई कि ये महादेव की ही लीला है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ ही दिनों में गणगौर तीज का पर्व मनाया जाने वाला है। यह पर्व कुंवारी कन्याओं और विवाहिता स्त्रियों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन जो उन्हें आशीर्वाद मिला था वह सीधे माता पार्वती से मिला था। बूढ़ी पारवा के अगले दिन गणगौर तीज का पर्व मनाया जाता है। वैसे तो इसे पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यह बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर के लिए और विवाहिता स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना से नदी, तालाब या किसी सरोवर पर जाकर अपनी पूजी हुई गणगौर को जल पिलाती हैं। दूसरे दिन शाम को विदा के सुंदर व मार्मिक लोकगीतों के साथ उनका विसर्जन होता है। इसकी जो पौराणिक कथा है वह भी बहुत चर्चित है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर, माता पार्वती और नारद जी भ्रमण को निकले। चलते चलते वे गाँव में पहुंचे, जहाँ उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते काफी विलंब हो गया। इसी बीच साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग का रस उन पर छिड़क दिया और जब वे अखंड सुहाग को प्राप्त कर लौटी तब उच्च कुल की स्त्रियां सोने चांदी से निर्मित थालियों में विभिन्न प्रकार के पकवान लेकर उनकी पूजा करने पहुंची। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे गौरी, तुमने तो सारा सुहाग का रस साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इनके लिए क्या बचा है। तब पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, उन स्त्रियों को मैंने बाहरी पदार्थों से बना रस दिया था, किंतु इन स्त्रियों को मैं अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त किया तब देवी पार्वती ने अपनी उंगुली को चीर कर उससे निकलने वाले रक्त को उन पर छिड़का। जिस पर जैसा रक्त का छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद भगवान शंकर की इच्छा से माता पार्वती स्नान करने नदी के तट पर चली गई और उसके बाद उन्होंने भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया। इससे उन्हें काफी समय लग गया। जब वे लौटी तो महादेव ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में माता पार्वती ने झूठ ही कह दिया कि नदी तट पर मेरे मायके वाले मिल गए थे जिनसे बात करने में देर हो गई, परंतु महादेव तो महादेव ही थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम्हारे परिवार वाले इतने निकट हैं तो चलो उनसे मिल लेते हैं। ऐसा कहते हुए भगवान शंकर नदी की ओर चल पड़े। यह देखकर माता पार्वती बड़ी दुविधा में पड़ गई कि अब उनका भेद खुल जाएगा। वे चुपचाप भगवान शंकर के पीछे पीछे चल पड़े। उनकी पत्नी को लज्जित ना होना पड़े इसीलिए महादेव ने अपनी माया से नदी के निकट एक भव्य पड़ाव बना दिया जिसमें माता पार्वती के समस्त संबंधी उपस्थित हो गए। जब माता पार्वती ने वहां तट पर अपने संबंधियों को देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। वे समझ गई कि यह महादेव की ही लीला है। भगवान शंकर दो दिन तक वहां रहे। वे और रुकना चाहते थे किंतु तीसरे दिन माता पार्वती स्वयं वहां से चल दी, जिस कारण भगवान शिव भी उनके साथ साथ चल दिए। काफी दूर चलने के बाद माता पार्वती को ध्यान आया कि वे अपनी चूड़ामणि वहीं छोड़ आई है। जब वे उसे लेने वापस जाने लगी तो भगवान शंकर ने उन्हें रोकते हुए देवर्षि नारद को आज्ञा दी कि वे उनका चूड़ामणि वहां से ले आए। जब नारद जी वहां पहुंचे तो उन्हें कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। नारद जी बड़ी देर इधर उधर भटकते रहे और सोचने लगे कि शायद वे गलत जगह पर आ गए। वे वापस जाने ही वाले थे कि सहसा बिजली चमकी और नारद जी को माता की चूड़ामणि एक वृक्ष पर टंगी हुई दिखाई दी। उन्होंने वो चूड़ामणि उतार ली और महादेव के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। तब महादेव ने हंसते हुए कहा कि हे नारद, यह सब तो जगत माता की लीला है। इस पर देवी पार्वती ने महादेव की लीला को समझते हुए लज्जा से कहा कि हे नाथ, मैं समझ गई कि ये लीला आपने ही रची है, अन्यथा मैं किस योग्य हूँ। तब देवर्षि ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके ही पतिव्रत का प्रभाव है कि संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य को प्राप्त कर सकती है और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती है। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। आपकी शक्ति और भक्ति देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है
अतः मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन कर मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव और आपकी कृपा से दीर्घायु पति का संसर्ग मिलेगा। उसी दिन से गणगौर तीज की प्रारंभ हुई। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्मसंसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।